Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Trippi College, University of Allahabad. And today, I am going to discuss with you all a very important topic of sociology and educational sociology, that is social stratification, Samajik Starikaran. And the lecture will be in bilingual mode and must be useful for your general awareness as well as for your examination purposes. So let's start. First of all, social stratification की बात की जा रही है. देखिए, sociology और educational sociology का बहुत important topic है. इस पे सवाल पूछे जाते हैं आपसे, objective, subjective, है ना. और उसके अलावा भी चूंकि हम social beings हैं तो हमें ये पता होना चाहिए. तो बहुत आसान topic है, but जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए मुश्किल है. तो आप जान लीजिए क्या है सामाजिक स्तरीकरण. समझ, नाम से ही समझ में आ रहा है कि समाज में स्तर बने हुए हैं, स्ट्रेटा बने हुए हैं. ओके, किस आधार पे बने हैं यही हमको जानना है. द स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन्वॉल्व्स मेनी इश्यूज, यानी कि ये जो सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन है इसमें बहुत सारे मुद्दे आते हैं, थियोरेटिकल एज वेल एज द वंस रिलेटेड टू द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल जस्टिस पावर एंड प्रिविलेजेस. मतलब सिद्धांत तो इसके पीछे काम कर ही रहा है, जो हमारे समाज की सामाजिक संरचना है, वो जो सामाजिक न्याय का वितरण है, जो शक्ति का वितरण है, जो विशेषाधिकारों का वितरण है, वो इसके पीछे काम करता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के पीछे. या आप क्या कह सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ सोसाइटी इन हायरार्कीज. हमारी जो हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, उस पर हायरार्की बनी हुई है. कौन सबसे ऊपर है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, उससे नीचे, किस आधार पर यह हायरार्की बनी है. और ये जो हायरार्की पोजिशन की है वो कमांड करती है, मतलब निर्देश करती है, आदेश देती है किसको, unequal amounts of property, power, prestige and honor. यानी कि जो धन संपत्ति है, जो शक्ति है, जो प्रेस्टीज है, जो आपका आपका सम्मान है, उसका जो अनइक्वल अमाउंट है, यानी कि हमको सब में समान वितरण नहीं है, सबके पास ना एक समान पैसा है, ना एक समान शक्ति है, ना एक समान सम्मान है. यही जो अनइक्वल अमाउंट में प्रॉपर्टी, पावर, प्रेस्टीज और ऑनर का डिस्ट्रीब्यूशन है, हायरार्की सेट है, वही सामाजिक स्तरीकरण है. Sorokin describing the deep roots of stratification in human society argues unstratified society with real equality of its members is a myth which has never been realized in the history of mankind. Sorokin एक बहुत महान समाजशास्त्री हुए हैं. उन्होंने कहा कि जो ये आपका stratification है उसकी जड़ें बहुत deep rooted है, मतलब बहुत गहरी पैठ है. ये नहीं कि आज का बना हुआ ये स्तर है. और unstratified society यानी कि ऐसा समाज जिसमें कोई स्तर ना हो और सब members जो एकदम इक्वल हो एक दूसरे के, वो एक मिथ है, मतलब ये एक भ्रम है और ये कभी हो नहीं सकता. और मैनकाइंड की हिस्ट्री में यानी मानव इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, यानी हमेशा समाज में स्तर रहे हैं. ओके, स्तर का मतलब कोई ऊपर है, कोई नीचे है, हायरार्की है. ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते, जो जहां है वैसे ही रहेगा, समाज का निर्माण ही ऐसे हुआ है. और जानते हैं इसके बारे में, इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज नेवर बिकम स्मूथ. ये कह रहे हैं कि कैसे हुआ, ये कैसे समाज में स्तर बन गए, कि जब सभ्यता सॉरी समाज का विकास हो रहा था तो वो कैसे हो रहा था, आराम से, भाईचारे से, नहीं, कहीं युद्ध हो रहा था, कहीं कहीं षड्यंत्र हो रहा था, कहीं विद्रोह हो रहा था. तो जब समाज विकसित हो रहे थे तो ये कभी स्मूथ नहीं रहा, मतलब ये कभी एकदम आराम से नहीं हुआ, हमेशा इसमें टकराहट हुई है, विद्रोह हुआ है, झगड़े हुए हैं, षड्यंत्र हुआ है. तो इसमें क्या हुआ, इट इन्वॉल्व्स बोथ रेजिस्टेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट. तो इस जो हमेशा से इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी है उसमें या तो विरोध हुआ है या द्वंद्व हुआ है, आराम से तो चली नहीं है ये सारे काम. फिर सच अ प्रोसेस ऑल्सो एट टाइम्स मे इन्वॉल्व रेशियल डिफरेंसेस, कल्चरल डिसिमिलैरिटीज एंड अदर डिफरेंसेस, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन रैंक, प्रिविलेजेस एंड पावर ऑफ द ग्रुप कंसर्न. यानी कि ये जो विद्रोह चल रहा है, ये जो द्वंद्व है, ये जो विरोध है, उसमें हमने कई बार देखा कि क्या इन्वॉल्व होता है, रेशियल डिफरेंसेस. रेस, हमारी रेस अलग है, आपकी अलग है. रेस का मतलब यहाँ भागने से नहीं है, रेशियल डिफरेंसेस ना, जातिगत जो आप में अंतर है, जो कल्चरल डिसिमिलैरिटीज, हमारा कल्चर इस बात को सही मानता है, आपका नहीं मानता है, सांस्कृतिक जो विभिन्नताएं हैं, और जो अदर डिफरेंसेस यानी कि और जो अन्य अंतर थे, अल्टीमेटली रिजल्टिंग, उन्होंने ये अल्टीमेटली बनाया कि एक ऐसा समाज बन गया जो इनइक्वालिटीज थी, उसमें असमानताएं थी. किसके आधार पर, किसकी रैंक ऊपर है, किसकी नीचे है, किसको विशेषाधिकार ज्यादा मिले हैं, किसको कम मिले हैं, किसके पास शक्ति ज्यादा है, किसके पास कम है. इस तरह से इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज के क्रम में ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जनरेट हुआ है.
किंग्सले डेविस, ये भी एक सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, ये कैसे डिफाइन करते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज एन अनकॉन्शियसली इवॉल्व्ड डिवाइस, यानी किसी ने जानबूझ के नहीं किया है, ये अनकॉन्शियसली हो गया, ये हो गया है इवॉल्व डिवाइस बाय विच सोसाइटीज एंश्योर दैट द मोस्ट पोजीशंस आर कंसेंटियसली फिल्ड बाय द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन्स। देखिए, समाज का निर्माण हो रहा है, समाज का विकास हो रहा है, तो भाई समाज क्या चाहेगा कि जो मुख्य पोजीशन पे हो, जो जो नेता हो, जो जो वहाँ का सबसे मुख्य आदमी हो, वो सबसे शक्तिशाली हो, तभी तो वो पूरे समाज का की देखरेख कर पाएगा, उसको गाइडेंस दे पाएगा, उसको संभाल पाएगा। तो हमेशा से जनता ने, समाज ने ये चाहा कि जो मोस्ट पोजीशन, जो अच्छी पोजीशन है, जो उच्च स्थान है, वो एकदम बढ़िया आदमी को दिए जाए। अब वो कोई भी बढ़िया की डेफिनेशन हो सकती है कि रेस वाइज बढ़िया, कि कल्चर वाइज बढ़िया, कि शरीर सौष्ठव वाइज बढ़िया, कोई भी चीज, लेकिन अच्छी होनी चाहिए। तो उससे क्या हुआ कि जो मोस्ट पोजीशन थे वो क्वालिफाइड पर्सन को मिल गए, तो अपने आप उनका एक अलग क्लास बन गया, और जो रूलिंग क्लास और जिस पर रूल कर रहे हैं वो आपका सबऑर्डिनेट बन गया। इट इज देयरफॉर आल्सो अज्यूम दैट एवरी सोसाइटी मस्ट पजेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि आप ये भी मान सकते हैं कि हर समाज ने खुद ही एक संस्थागत सामाजिक स्तरीकरण का निर्माण किसी हद तक किया है। क्यों? क्योंकि हमने खुद ही तो अच्छे अच्छे लोगों को, अब अच्छाई की डेफिनेशन आप समझ लीजिए कि किस संदर्भ में की जा रही है, उनको उच्च पोजिशन दिए, तो नीचे वाला जिसको वो पोजिशन नहीं मिली वो अपने आप निम्न हो गया, जिसको पोजिशन मिल गई वो उच्च हो गया। तो ये एक तरीके का कैसा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, संस्थागत, यानी कि सोसाइटी एज एन इंस्टीट्यूशन ने खुद ऐसा बनाया है, और बाकी तो ये अनकॉन्शियसली है। और क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच ग्रुप्स एंड सोशल कैटेगरीज इन सोसाइटीज आर रैंक्ड एज हायर और लोअर देन वन अनदर इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेटिव पोजीशन ऑन द स्केल्स ऑफ प्रेस्टीज, प्रिविलेज, वेल्थ एंड पावर। बार बार ये बात आ गई निकल के कि जब एक हायरार्की सेट हो जाएगी, जब कोई प्रेस्टीज के मामले में, कोई विशेषाधिकार के मामले में, शक्ति के मामले में, धन के मामले में एक दूसरे से ऊपर नीचे होगा, उसकी रिलेटिव पोजीशन होगी, तो अपने आप सामाजिक स्तरीकरण बन जाएगा, सामाजिक स्तरीकरण हो जाएगा। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हैज बीन डिफाइंड बाई एंथनी गिडेंस, ये भी एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, एज मतलब थे, एज स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज बिटवीन डिफरेंट ग्रुपिंग्स ऑफ पीपल, यानी कि विभिन्न लोगों का समूह है जिसमें संस्थागत आपकी संरचनागत असमानता है, वही सामाजिक स्तरीकरण है। द सिस्टम्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन आइडेंटिफाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड आर स्लेवरी, कास्ट, स्टेट्स एंड क्लास। कहीं कहीं आपको वो भी मिलेगा, जेंडर एज ए फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि मेल फीमेल की वजह से जो अंतर आता है समाज में, तो वो तो हर जगह हमेशा से विद्यमान है। स्लेवरी, दासत्व, आपको पता है कि पुराने समाजों में दासत्व प्रथा थी, जो एक मालिक था, एक दास था, जो एक गुलाम था, और उस पे उसके पास कोई अधिकार नहीं थे और उसका बहुत शोषण होता था, तो जो मालिक है उसका अलग क्लास, जो दास है उसका अलग क्लास। तो मेनली पढ़ने के लिए हमारे पास है कास्ट, स्टेट और क्लास, ठीक है। स्टेट क्या है? स्टेट कहते हैं ना रियल स्टेट, तो ये जैसे जागीर या रियासत या संपत्ति या भूमि, इस तरह से आप इसको मान लीजिए। और कास्ट तो आपको पता ही है, जाति, और क्लास आपको पता है वर्ग। तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन के ये मेन डायमेंशंस हैं, इनके तहत स्तरीकरण होता है। और सोशल मोबिलिटी का कंसेप्ट आप जानते हैं, सामाजिक गतिशीलता। तो जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ऑफन इम्प्लाइज दैट सोशल मोबिलिटी, दैट इज द एबिलिटी टू मूव बिटवीन सोशल ग्रुप्स, इज लिमिटेड, यानी कि सामाजिक स्तरीकरण ये सुनिश्चित करता है कि इन विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में गतिशीलता ना हो। मतलब कास्ट के बीच में सामाजिक गतिशीलता नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पढ़ लिख के ऊपर वाली कास्ट में चले जाएंगे, मतलब जो समाज ने बना रखा है, ठीक है। तो ये है हिसाब किताब। और एक और डेफिनेशन ले लीजिए, मैक्स वेबर ने कहा है कि स्ट्रेटिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ ए सोसाइटी इनटू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज व्हिच हैव वेरिंग असाइनमेंट्स ऑफ स्टेटस, ऑनर और प्रेस्टीज। वो कह रहे हैं कि स्तरीकरण क्या है, ये समाज का एक विभेदीकरण है, एक विभाजन है, जिसमें कि हमने डिस्टिंक्ट कम्युनिटी में सबको बांट दिया है, विभिन्न विशिष्ट समुदायों में बांट दिया, और उनके पास डिफरेंट असाइनमेंट है, मतलब ऑनर का, प्रेस्टीज का, मतलब निर्दिष्ट कार्य, असाइनमेंट का मतलब होता है, ठीक। अच्छा, अगर एलिमेंट्स की बात करें कि सामाजिक स्तरीकरण के तत्व क्या हैं, तो दो ही मेन तत्व हैं इसके, स्टेटस और रोल। समाज में हमारा एक अलग स्टेटस होता है, और उस स्टेटस के हिसाब से जो हम परफॉर्म करते हैं वो हमारा रोल होता है।
जैसे कि रोल को क्या कहा जाता है, डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। लिंटन ने रोल को डिफाइन किया डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस, यानी कि हमारा स्टेटस है, मान लीजिए हम प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं कहीं, ये हमारा स्टेटस है, तो उसके हिसाब से हमारा रोल क्या होगा कि हम पूजा अर्चना करेंगे, हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए, हम नीतिगत निर्णय लेंगे। तो स्टेटस का डायनेमिक एस्पेक्ट रोल है। सोशल स्टेटस विल बी द टोटल ऑफ ऑल द स्टेटसेस ही ऑक्युपाइज, मतलब वो पुजारी भी है, वो पति भी है, वो पिता भी है, तो इस तरीके से जितने भी हमारे स्टेटस होते हैं इनके सम का कंबाइन करके हमारा सोशल स्टेटस बनता है। इन अदर वर्ड्स इट इज एन इंडिविजुअल्स ओवरऑल पोजीशन अबाउट टोटल सोसाइटी। स्टेटस इज एसोसिएटेड विद राइट्स एंड ड्यूटीज, और हमारा जो स्टेटस होता है वो किससे जुड़ा होता है, हमारे अधिकारों से और हमारे कर्तव्यों से। और रोल क्या है, इट इज डिस्क्राइब्ड एज व्हेन एन इंडिविजुअल एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ थ्रू द राइट्स एंड ड्यूटीज असाइंड टू हिज स्टेटस, यानी कि उसके स्टेटस के हिसाब से जो उसके अधिकार है और जो उसकी कर्तव्य हैं उनको जब वो एक्सप्रेस करता है, उनको जब वो करता है, परफॉर्म करता है, तो वही उसका रोल हो जाता है। और द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटस एंड रोल बिकम मॉडल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल टुवर्ड अदर इंडिविजुअल्स, यानी कि हमारा जो स्टेटस है उसके हिसाब से जो हम रोल कर रहे हैं वही दूसरे इंडिविजुअल्स के लिए मॉडल का काम करता है। डायमेंशन, ये बात पहले ही हो गई, तो हम तीन डायमेंशन पे बात करेंगे, कास्ट, स्टेट और सोशल क्लास, जिसमें कि जो कास्ट है वो पिक्यूलियर है इंडियन सोसाइटी के लिए, यानी कि भारतीय समाज में ही इस तरह से जातियां हैं, जैसे हर जगह हैं पर इस तरीके का नहीं जैसे भारत में है, और कम जगह है, हर जगह मतलब यूनिवर्सल नहीं है कास्ट सिस्टम। और सोशल क्लास तो यूनिवर्सल है, किसी भी समाज में आप चले जाइए आपको सामाजिक वर्ग मिलेगा। और जो स्टेट है वो जो सिस्टम है वो यूरोप में एग्जिस्ट करता था, बस हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे जानने के लिए। अब देखते हैं कि अगर कास्ट एज ए फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है तो इसका क्या अर्थ है। कास्ट इज प्राइमरीली कन्फाइंड टू इंडियन सोसाइटी, मुख्यतया भारतीय समाज से इसका लेना देना है। अंडरस्टैंडिंग कास्ट एज ए फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज हाईली कॉम्प्लेक्स, और इसको समझना बहुत जटिल भी है, क्योंकि जाति, जातिगत अंतर, उसमें भी उपजाति है और बहुत तरीके किस तरीके की चीजें हैं। एज देयर आर वेरिएशंस इन इट्स डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इसके वर्णन में हमको विभिन्नता मिलती है, जैसे कहीं वर्ण मिलता है, कहीं जाति मिलती है। और कास्ट एक्ट्स एज ए सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन बिकॉज ऑफ थ्री थिंग्स, तीन बातें हैं जो जाति को सामाजिक स्तरीकरण का कारण बनाती हैं। कौन कौन सी? हायरार्किकल ऑर्डरिंग ऑफ द सोसाइटी, जैसे ब्राह्मण जाति है तो वो उच्च स्थान समाज में उसको प्राप्त होगा, लेकिन ये हो सकता है कि उसके पास संपत्ति शूद्र से भी कम हो, तो लेकिन तब भी हायरार्की में यहाँ पे कास्ट काम करेगी, आपका पावर और प्रेस्टीज और आपका वेल्थ काम नहीं करेगा। फिर दूसरा पॉइंट, डिफरेंशियल इवेल्युएशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, बहुत सारे समूहों का और इंडिविजुअल का हमने भिन्न भिन्न तरीके से मूल्यांकन किया है वो। और डिफरेंशियल रिवॉर्ड, यानी कि कास्ट के हिसाब से हायरार्की है, कास्ट के हिसाब से इवेल्युएशन सबका अलग अलग है, और सबके रिवॉर्ड यानी कि इनाम भी अलग अलग है। तो देयर आर थ्री इम्प्लीकेशंस ऑफ द सिस्टम, तो इसके तीन हमको आप निहितार्थ मिल सकते हैं क्या क्या, कि हाईलाइटेड भी बेरनेन ने इम्प्लीफाई किया, हमको बताया कि ए कास्ट सिस्टम अकर्स वेयर सोसाइटी इज मेड ऑफ बर्थ एस्क्राइब्ड स्टेटस। देखिए सबसे खास बात, जन्म से हमको जाति मिली है, हमने इसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रयास नहीं किया, हमने एक्वायर नहीं किया है समाज से, जन्म से ही ये निर्धारित हो जाएगा कि आपका समाज में उच्च स्थान है या समाज में आपका निम्न स्थान है। और हायरार्किकली ऑर्डर्ड एंड कल्चरली डिस्टिंक्ट, हायरार्की आपका ऑर्डर सेट है आपके जन्म से, और सांस्कृतिक रूप से आप विशिष्ट हैं। इट इज द हायरार्की, ये वो हायरार्की है, मतलब स्टेप वाइज है, चरणबद्ध है, दैट इंटेल्स एंड स्पेसिफाइज डिफरेंशिएशन, रिवॉर्ड्स एंड एसोसिएशन, उसी हिसाब से तय होगा कि विभेदीकरण क्या है, इनाम किसको क्या मिलेगा, किसके साथ हमारी संबद्धता है। तो इट इज द बर्थ एस्क्राइब्ड मेंबरशिप, यानी कि जन्म से हम किसी किसी जाति के सदस्य होते हैं, और ये हमारा इंडिविजुअल एट्रीब्यूट नहीं होता है, ये हमारा पर्सनल गुण नहीं है, ये हमारी पर्सनल संपत्ति की बात नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कास्ट में कि जन्म से। अब तो आपको पता होगा कि समाजों में ये चीजें कम हो गई हैं, लेकिन अभी भी हैं और पहले तो बहुत ज्यादा थी। अच्छा, एक बात यहाँ पे रोक कर ये बताना चाहती हूँ कि आपको ये ध्यान देना चाहिए कि सभी धर्मों में लिखा है कि सभी लोग समान हैं, है ना, सभी, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन से हिसाब किताब चलता है, सब संविधानों से देश गवर्न होते हैं, सब जगह लिखा है कि ऑल आर इक्वल बिफोर सोसाइटी, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर स्टेट, इसके बावजूद सामाजिक स्तरीकरण विद्यमान है। और ये जो स्टेट है वो इसका यूरोप से लेना देना है। इन द इंसाइक्लोपीडिया स्टेट रिफर्स टू दोज ग्रुप्स दैट हैव लीगल एग्जिस्टेंस और ग्रुप्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन सम वे एंड हैव सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन।
मतलब इसका कानूनी रूप से वैध होना चाहिए, कोई ना कोई आपके पास राजनीतिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। स्टेट ऑल्सो रिप्रेजेंटेड क्लासेस, कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि जो स्टेट है वो क्लास को रिप्रेजेंट करता है। अ सोशल स्ट्रेटम टू विच वी आर अटैच स्पेसिफिक राइट्स एंड ड्यूटीज सस्टेन बाय द फोर्स ऑफ लीगल सैंक्शन, यानी कि इस तरीके का सामाजिक स्तर है जिसमें आपके पास कुछ विशिष्ट अधिकार हैं, कुछ विशिष्ट कर्तव्य हैं और लीगली है, मतलब कानूनी रूप से ठीक है। तो इसमें चूंकि यूरोप का है, आप बस जानिए इसको कि द थ्री स्टेट्स कुड बी थॉट ऑफ एज रिप्रिंटिंग ए हायरार्की। टीबी बॉटमोर हैज मेंशन्ड थ्री इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूडल स्टेट्स ऑफ मेडिवल यूरोप, दे आर एज फॉलोज। उन्होंने कहा लीगल बेसिस ऑफ स्टेट, स्टेट का लीगल बेसिस होना चाहिए, एक उसका कानूनी आधार होना चाहिए। स्टेट्स रिप्रेजेंटिंग द डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें यह तय होना चाहिए श्रम विभाजन कौन क्या करेगा। और स्टेट्स एज पॉलिटिकल ग्रुप, यानी कि जो जागीर है, जो रियासत है, जो भूमि है, वो एक तरीके से राजनीतिक समूह भी है, ठीक है। तो ये हो गया सामाजिक स्तरीकरण का कि कौन, जिसके पास ज्यादा स्टेट है वो उसका क्लास अपर हो जाएगा, जिसके पास कम है वो नीचे हो जाएगा, है ना। क्लास एज ए फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कार्ल मार्क्स ने हमको वर्ग पे बात बात की, आपको पता होगा कि इकोनॉमिक यानी कि मतलब धन के आधार पर उन्होंने बांटा समाजों को कि कोई धन रहित है, कोई धन विहीन है, तो जिसके पास धन ज्यादा है वो ऊपर आ गया, हायर क्लास पे आ गया, जिसके पास कम है वो कम हो गया। जनरली जो सोशल क्लास है वो इकोनॉमिक बेस्ड है, यानी कि धन पर आधारित होता है। तो इन्होंने कहा कि सोशल क्लास इन मार्क्सिस्ट टर्म्स इज नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शंस इनकम और कंजम्पशन पैटर्न बट बाय द रिलेशंस इट बियर्स विद द मोड ऑफ प्रोडक्शन। वो कह रहे हैं एक है जो जिसके पास प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है, उसके पास पैसे ज्यादा है, वो आपका रूलिंग क्लास हो गया। जो प्रोडक्शन, जो जिसको आपने नौकरी दी है, वो आपका मतलब सर्विस क्लास, सर्वेंट क्लास हो गया। तो मैक्स वेबर आर्ग्यू दैट हैविंग प्रॉपर्टी एंड लैक ऑफ प्रॉपर्टी आर वेरी सिग्निफिकेंट इन एक्सप्लेनिंग क्लास एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एज दीज टू आर द बेसिक बेसिस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑल क्लास सिचुएशंस। वो कह रहे हैं कि आपके पास धन है और धन नहीं है, यही चीज सबसे प्रमुख निर्धारक तत्व है जो कि सामाजिक वर्ग बनाती है। एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टी अनएम्बिगुअसली इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी कि आर्थिक इंटरेस्ट का मामला है प्रॉपर्टी का, यही क्लास बना रही है। दीज टू फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन द इमर्जेंस ऑफ क्लास स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी। देखिए ये बर्थ एस्क्राइब नहीं है, आप किसी भी जाति के हों, आपके पास धन ज्यादा हो सकता है तो आप सामाजिक रूप से थोड़ा ऊंचा चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास धन है। और अब तो मेनली यही काम कर रहा है, अब कास्ट से ज्यादा आप कह सकते हैं क्लास, वो मतलब किसी भी आप बढ़िया सेलिब्रिटी हैं, कोई नहीं पूछने जाता है किस कास्ट का है, करोड़पति है, अरबपति है, उसके करोड़ों फैंस हैं। तो दीज टू फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन द इमर्जेंस ऑफ क्लास स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी। टू सम अप द क्लास सिस्टम एज ए फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज बोथ अ सोशल एंड हिस्टोरिकल फिनोमेना हैविंग इट्स ट्रेसेस इन हिस्ट्री एंड स्पेस। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग सामाजिक स्तरीकरण का आधार है, तो ये एक सामाजिक भी है और ये ऐतिहासिक घटना भी है, और हमको इतिहासों में, सामाजिक इतिहासों में मिलती है। तो कहने का मतलब सामाजिक स्तरीकरण क्या, बावजूद इसके कि संविधान ने कहा सब समान है, धर्म कह रहा है सब समान है, इसके बावजूद समाज में स्तर होते हैं। कभी कभी हम जानबूझ कर स्तर आते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन हो वो उच्च पोजीशंस पे बैठे, फिर भी सामाजिक स्तरीकरण है, क्यों, क्योंकि हायरार्की में समाज बटा हुआ है क्लास के आधार पर, कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर, वेल्थ के आधार पर, पावर के आधार पर, प्रेस्टीज के आधार पर, ना इन सारे डिस्टिंक्शंस। तो उसमें जो कास्ट, स्टेट और क्लास, स्लेवरी भी लिख सकते हैं आप, जेंडर भी लिख सकते हैं, बट ये तीन इंपॉर्टेंट थे आपको समझाने के लिए। तो कास्ट जो कि बर्थ एस्क्राइब्ड स्टेटस है, हमको जन्म से ही मिला है, उच्च जाति के हैं, हायरार्की हमारी सेट है, हम वहीं रहेंगे, वो हमारे संग रहेगा, किसी भी ना किसी फॉर्म में रहे, अब धीरे धीरे कम हो रहा है लेकिन अभी भी है, ये मानना पड़ेगा आपको। फिर आपका आता है स्टेट जो कि मेडिवल यूरोप का की खासियत है, कास्ट इंडिया की खासियत है, और क्लास ऑल ओवर द वर्ल्ड है, सोशल यूनिवर्सल है कि हर जगह क्लास है, कहीं रूलिंग क्लास है, कहीं सर्वेंट क्लास है, कहीं अपर क्लास है, कहीं मिडिल क्लास है, तो क्लास तो है ही। और इसके बेसिस जो डिविजन का बेसिस मेनली इकोनॉमिक है, विद प्रॉपर्टी एंड विदाउट प्रॉपर्टी। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड आई हैव कंप्लीटेड अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ विद यू ऑल, दैट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।